हेलो एवरीवन आज मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जो आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे और उनमें इज़ एम आर का यूज़ भी शामिल है तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो इज़ एम आर की हेल्प से बने हैं और ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें मेरी कुछ थॉट्स भी शामिल है जो आपका मार्गदर्शन करने में आपकी हेल्प करेगी सो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हवा कई गैसों का मिश्रण होती है एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज हवा जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है एयर इज इसल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हवा पानी और सूर्य प्रकृति की अनमोल देन है एयर वाटर एंड सन आर द प्राइसलेस गिफ्ट्स ऑफ नेचर असली धर्म में भेदभाव व्याप्त नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट परवेसिव इन रियल रिलीजियन प्राकृतिक चीजें स्वभाव में वेद भाव से रहित होती हैं नेचुरल थिंग्स आर डिवॉइड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन नेचर जो धर्म भेदभाव करना सिखाता है वह सही मायने में धर्म है ही नहीं द रिलीजन व्हिच टीचेस टू डिस्क्रिमिनेट इज नॉट अ रिलीजन इन द ट्रू सेंस वह व्यक्ति अशिक्षित है जो विश्वास और अंधविश्वास में फर्क नहीं जानता है ही इज इलिटरेट हु डज नॉट नो द डिफरेंस बिट्वीन बिलीफ एंड सुपरस्टिशन वही व्यक्ति महान है जिसमें मानवता और समानता की भावना विद्यमान हो ग्रेट इज दर्सन हु हैज ह्यूमैनिटी एंड द स्प्रिट ऑफ इक्वेलिटी बच्चों की सुख सुविधाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की उनकी एजुकेशन चिल्ड्रंस एम्यूनिटीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज दियर एजुकेशन शिक्षा के बिना इंसान तर्क वितर्क करने में असक्षम होता है विदाउट एजुकेशन मैन इज इनकबल ऑफ रीजनिंग चीजों को पढ़ बिना उन पर विश्वास करना मूर्खता और अंधविश्वास है इट इज फुलिसनेस एंड सुपरस्टिशन टू बिलीव थिंग्स विदाउट टेस्टिंग टेम बुद्धि और धन का भाव तथा संविधान की अज्ञानता गुलामी की सबसे बड़ी जड़ है लेक ऑफ इंटेलिजेंस एंड मनी एंड इग्नोरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बिगेस्ट रूट ऑफ स्लेवरी आई होप दीज सेंटेंसेज विल हेल्प यू इन योर रियल लाइफ And these sentences will help you to become a real human being. So, thank you very much for watching these sentences, for watching this video. Thank you again.